मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, ये आंदोलन पहलवानों का नहीं होता तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है उनको। एक कल का, एक आज का और एक कल का, दो दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर सर छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, उसके आगे नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला है, समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धूल चाटनी पड़ी है ना। लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। इसलिए हम लोग कल सड़क पे गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहां से, क्योंकि पसीने पसीने होके बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे, और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहां से लग गया। अब बड़ी बात यह है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं, ये कौन है, ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किस नेता का बेटा कहां कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा है, आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहने लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहने, तो क्या करें। तो मैं पीछे ही लौट गया, मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकने देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के हमारे महापुरुषों गुरुओं संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं, मैं उनका साथ देने के लिए। और मैं ये चाहता हूं किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना, अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आँच ना आए। मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर अजमाइश तो कल ही कर लेते, हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले हैं, कल ही हम जोर अजमाइश कर लेते, लेकिन जोर अजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने बजरंग से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान ले, अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तो भी तो यही, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ। तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि दो तीन बार की घटना पता लगे, अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत है देखने के लिए, फिर मैंने कहा अगर ऐसे नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा, और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है, हम तो किसानों के बच्चे हैं ना, हमें हम सब कुछ जानते हैं, पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, दो कदम पीछे हट गया, मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर में भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए, हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान आए, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि किस को आपको डिसीजन लेना, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे, जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको इसके कार्य देखो, कहते ना इतिहास आदमी की जानकारी देता है, आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते, इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग, चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहां बैठे इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा, इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है,
21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पर, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े क्योंकि हम उनके साथ। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना खुले टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है और फैसला ठोक के करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रहते, फैसले पे कायम करके रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो ये हंस है क्या? ये लोग ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने चल धर्म से ज्यादा क्या नहीं किया, इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया उसको हम उसको सजा दिलाने मदद कराएंगे। बताओ इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के भी तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता कि करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ लो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी वमेटी सब फ्रॉड है, ये हमारा बेवकूफ बना रहे, हमें लार लगा कर रखना चाहते। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के, इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम तो बीज लेके के बता देते कैसी फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं फैसला 21 तारीख को ठोक के करना और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को अजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लो क्या हालत होगी, 24 दिन हो गए और इनको एक एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से, ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनकी छाते पे गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम, ऐसा नहीं करेंगे। और हमें रखना आता है, इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे ये कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मैं मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं। अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी यार 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे यही बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो और समझो, आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है, तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे, कल तो उनका उनकी बात थी, हमें उसमें होने का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं, ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले और शासन प्रशासन भी समझ ले। और मैं हाथ जोड़ कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर अगर बिल्कुल भी हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे अजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत करना, उसे याद की हुआ आज भी याद है हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो रीढ़ की हड्डी भी रखो, तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर सर छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, उसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला है समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धूल चाटनी पड़ी है। ये जनता है जिसके खिलाफ खड़ी होती ना, बड़े से बड़े को पटकने दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो, क्या नहीं किया? जो बचिया जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ? मानसार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित भूखा नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है, इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय संगत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस भर देते, इससे घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुनों को कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है।
और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है, घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे, लोग आपको इसलिए याद रखे। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे, आप बताओ उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लड़ रहे थे? उनके दिल में आग थी और आज ये आग यहां बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, अजय भाई बता देंगे, कहीं जाने का आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम तो उनके भरोसे हैं, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पाड़ेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए, मैंने आपसे दो दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का, दो दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ इनसे डर रहे हैं हम, ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर, इंसान ही तो है, कोई भूत प्रेत हो तो उससे डरे भी, हमने तो भूत प्रेत में भी हम मानने वो नहीं रखते हैं कि उनसे डर जाएंगे, ठीक है ना। हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं, हम कहाँ डर रहेगी देते हैं, हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर्म देते हैं, ठीक है ना, ना अन्याय करते ना अन्याय देखते ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी, चाटनी पड़ेगी, याद रखना। कहीं बैठ जाओ, जाके छुपके कहीं चले जाना आज नहीं तो कल, जो फिर फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पे ताकीद करेंगे, अमल करेंगे, फिर आप देखना पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों से कहूंगा जो आदेश हो उसका पालन करना, जो वहां से आदेश आएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं, आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहां से चले जाओ, जो बात आपको कही जाए हमें इसे अमल करना है, ये हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कहकर चले जाओ, ठीक है ना। बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा गए कि वोट को सिखा गए कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की, तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्ता आए वो मुद्दे पर ही बात करे, इधर उधर की बात ना करे, इस आंदोलन पर बात करे, इस लड़ाई पर बात करे, और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, जो आप